ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ੂਗਰ। ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਚ 2 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਮੇਂ ਦੇਣਾ ਤੋ ਆਜ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮੇਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਰੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਤੋ ਆਪ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਮੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि आज तो कोई पत्थर भी देता आपका कहना ठीक है। क्या है, ये एक जड़ी बूटी है जो मेरे गुरु की दी हुई है और ये मैं शनिवार और मंगलवार को फ्री देता हूँ और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और मेरे गुरु की कृपा इतनी हो रही है कि उनकी शुगर रिवर्स ही हो रही है। मैं इसके पैसे लेता हूँ। इसके अलावा अगर कोई उनको कोई दूसरी बीमारी होती है तो उसका थोड़ा बहुत चार्ज लेता हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि ये आपको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखो शुगर एक महामारी की तरह से फैल रही है। आज हर छठे व्यक्ति को शुगर है, ये तो उनको है जिनको शुगर चेक हो गई है, डिटेक्ट हो गई है, लेकिन एक प्री डायबिटिक भी है, एक वो है कि शुगर होने जा रही है, उनको तो पता ही नहीं है। तो कम से कम ये समझो 10 में से 8 लोगों को शुगर है। ये जब महामारी की तरह से फैल रही है, इसको हमें व्यापार की तरह से नहीं लेना चाहिए, इसलिए लोगों की भलाई करनी है। अगर ये मेरी जड़ी बूटी से लोग ठीक हो रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? एक तो गुरु की दवा मिल रही है, इसमें दुआ भी है, दवा भी है, और ये जो दवा है साइंटिफिक व्यू से जो है पैनक्रिया के वीटा सेल्स को जो है डेवलप करती है। पैनक्रिया की वीटा सेल्स डेवलप होती है तो इंसुलिन छोड़ते हैं, और इंसुलिन मिलेंगे तो शुगर ब्लड में रहेगी नहीं, तो इसलिए लोगों की शुगर ठीक ही हो रही है, रिवर्स ही हो रही है। काफी लोग 2-8 साल से दवाई ले रहे थे, 5-5 साल से दवाई ले रहे थे, उनको काफी रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, वो शुगर जो है वो 3 तरह की है, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2 एंड डायबिटीज 3। तो आपकी दवाई से कौन सी डायबिटीज ठीक हो रही है? देखिए, डायबिटीज 2 तो काफी जल्दी कवर हो रही है, और 1 में क्या है कि वो इंसुलिन लेता है, तो इंसुलिन ये नहीं कि एक दिन में छोड़ देना है। मान लो कोई 10-10 यूनिट इंसुलिन ले रहा है तो एक एक यूनिट हर महीने घटती है, तो वो धीरे धीरे घट के वो इंसुलिन घट जाती है और नॉर्मल जीवन पर आ जाता है। क्योंकि हम जो दवा दे रहे हैं ना, जो इंसुलिन पैदा करने वाली जो मशीन है हमारी, वो है पैनक्रिया। पैनक्रिया को डेवलप कर रहे हैं, पैनक्रिया की वीटा सेल को डेवलप कर रहे हैं। जब पैनक्रिया डेवलप हो जाती है तो इंसुलिन खुद ही बनाने चालू कर देती है, तो फिर बाहर के इंसुलिन की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए लोगों का इंसुलिन भी धीरे धीरे करके छूट रहा है। मैं नहीं कह रहा 2 दिन में छूट जाएगा, लेकिन छूट रहा है, टाइम लगता है, अच्छी कामयाबी मिल रही है। तो डायबिटीज 3 यानी कि जो पार्किंसंस और डोमेंशिया रोग है, इसमें भी फर्क पड़ता है? इसमें भी फर्क पड़ता है, इसमें जो है हम दूसरी दवाइयां भी देते हैं उसको एडजस्ट करके, तो काफी फर्क पड़ रहा है, काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो जो आप जो डायबिटीज की बात कर रहे हैं, कौन से पेशेंट आपके पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं? मेरा नाम रुचि है, मैं हरिद्वार से हूँ। क्या नाम, मेरा शुगर पहले क्या नाम 190 था फास्टिंग का, अब मेरा शुगर सही है, 146 नॉर्मल है। देखो, देश में आज इतना डायबिटीज बढ़ रहा है, पहले तो मैं समझता था कि अर्बन एरिया में ही है, लेकिन अब तो गांव से भी लोग आ रहे हैं, और मैं सोचता था पहले 50 साल के 60 साल के लोग आए, नहीं, अब तो 22 साल का लड़का भी आ रहा है, 4 साल का बच्चा भी आ रहा है, 10 साल की बच्ची भी आ रही है, और 30-35 साल का युवा भी आ रहा है। तो शुगर महामारी की तरह से फैल चुका है, क्योंकि हमारे खाने का जो सेंस है ना, जो खाने का तरीका है, वो बदल गया। मैक्सिमम हम क्या ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वसा ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, मैदा ले रहे हैं, और मीठा ज्यादा ले रहे हैं। आज जो फास्ट फूड हम ले रहे हैं ना, या जिस टाइप का आज का भोजन है, उसके लिए तो हमें 4-4 जो है पैनक्रिया चाहिए शरीर के अंदर, और है एक ही, और एक ही को हम खराब कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है हर रोज शुगर के नए मरीज बन रहे हैं, क्योंकि उनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको कोई नॉलेज देने वाला नहीं है। वो उनको मान लो एक बच्चा है, उसकी उम्र 20 साल की, उसको भूख लगती है बाजार में, तो वो क्या करेगा, एक कोक ले लेगा और चिप्स ले लेगा, वो खा लेगा। ये दोनों ही चीज हाई ग्लाइमिक इंडेक्स की है, हाई ग्लाइमिक इंडेक्स की है, ये पैनक्रिया को धीरे धीरे करके उसको खत्म ही कर देती है। और वो जब 23-24 साल का आता है, 25 साल का होता है, तो अचानक उसको डायबिटिक डिटेक्ट हो जाती है, लोगों का वजन गिर रहा है, 10-10 किलो वजन गिर जाता है, बाद में पता चलता है अरे इसको शुगर हो गई। तो कहने का मतलब ये है, आज देश में ये महामारी की तरह से फैल रही है, और इंसुलिन का ना बनना सबसे बड़ी बीमारी है।
एक सुअर बीमारी अपने आप में एक नहीं है, ये 10 बीमारी लेके आती है। जिसको सुअर हुई उसके जीव का स्वाद चला गया, उसकी यौवन क्षमता चली गई, उसको कभी भी किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, और उसको जो है प्रॉब्लम पेशाब में प्रॉब्लम आ सकती है, उसके जो है न्यूरोलॉजिकल केस हो सकता है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, उसको कभी भी हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक सारा ही बॉडी को डिस्टर्ब कर देती है। तो मैं तो आपके भी धन्यवाद करूंगा कि ये एजुकेशन का प्रोग्राम है, हम लोगों को कह रहे हैं जिनको शुगर है वो तो आ जाए ठीक हो जाएंगे, लेकिन जिनको शुगर नहीं है वो तो कम से कम बचे, महामारी फैल रही है। तो एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक महाप्रबंधन करना पड़ेगा, एक तरीके से अपने आप को एक अपने आप को पंक्चुअल करना पड़ेगा कि मुझे ये चीजें नहीं खानी है और मुझे ज्ञान लेना है कि शुगर क्यों हो रही है, ताकि मैं बच तो सकूं। नहीं तो बाहर का वातावरण ऐसा है कि अब बचना बड़ा मुश्किल है। हर 8-10 में से 8 व्यक्ति को बीपी की शिकायत है, और जिनको बीपी है वो कल चल के हार्ट के पेशेंट बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें आज खान पान पे ध्यान देना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। और इसलिए हम एक एजुकेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, सबको प्रीबायोटिक चीज लिए, फल फ्रूट जूस फ्रूट थोड़ा ज्यादा लीजिए, प्रकृति से जुड़िए, पैक्ड चीज फास्ट फूड ये ना ले, कम से कम कभी ले लिया तो ले लिया, लेकिन अगर आपने इसको पूरा जीवन का हिस्सा बनाया तो आप डायबिटीज के पेशेंट बनेंगे, तो रोक नहीं सकता। आज आपके पास टाइम है, अगर आप डायबिटीज नहीं है तो उस पर कुछ ना कुछ वर्क कीजिए ताकि भविष्य में आपको शुगर ना हो। तो डॉक्टर साहब, जो 3 तरह का मीठा है, सुकरलोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज, और ये तीनों ही बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो तीनों के तीनों जो है वो ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है इनका बहुत ज्यादा है और इनसे बढ़ जाते हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी चीजों का कम होता है, जैसे सुकरलोज का बहुत ज्यादा है, फ्रक्टोज का उससे कम है और लैक्टोज का उससे कम है, लेकिन है तीनों ही मीठा। और इसके अलावा जब कार्बोहाइड्रेट हम जो खाते हैं वो जाके कन्वर्ट होता है, वो भी ग्लूकोज के रूप में अंदर कन्वर्ट होता है, और उससे भी जो है वो शुगर बढ़ती है। तो आप इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक किसको मानते हैं? देखिए, सुकरलोज जो होता है, जो चीनी में होता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक। बिल्कुल, वो जो है रिफाइंड शुगर है, वो जब भी जाएगी ब्लड के अंदर तो शुगर को स्पाइक कर देगी। दूसरी है लैक्टोज होता है दूध के अंदर, वो उससे कम खतरनाक है। फ्रक्टोज लगभग ठीक है, वो कुछ फलों में होती है, वो अगर लेंगे तो धीरे धीरे जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, धीरे धीरे बॉडी के अंदर प्रवेश करती है। देखिए, हमें शुगर तो चाहिए, बॉडी तो उसी ही चलेगी, लेकिन तय मात्रा के अंदर। जब ज्यादा अगर जाएगी शुगर तो वो पचेगी नहीं तो ब्लड में आ जाएगी, तो ब्लड के शुगर के रोगी हो जाएगी। शुगर हमें चाहिए लेकिन रिफाइंड नहीं चाहिए, फलों की चाहिए, और कोई भी सिर्फ जो चल रहा है फास्ट फूड में जो हो रहा है वो नहीं चाहिए, फ्रूट्स की चाहिए, क्योंकि रोटी में भी है कार्बोहाइड्रेट। आज का जो गेहूं है वो देसी गेहूं नहीं रहा है, फसल को ज्यादा उगाने के चक्कर में गेहूं का भी मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। तो आज जो हम एक रोटी खाते हैं उसमें 4। मेरा नाम इमरान है और मैं परवल से आया हूँ। डॉक्टर मिश्रा का नाम सुन के मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी जब आया हूँ यहाँ पे। पहले मेरा शुगर 200 प्लस था, अब 112 है, मुझे बहुत आराम है। 4 चम्मच चीनी है, एक रोटी में 4 चम्मच चीनी है। अब वो शुगर का मरीज कहता है वो चाय तो फीकी पी रहा है और रोटी खा रहा है 4, तो 8 चम्मच चीनी खा रहा है, वैसे फीकी चाय पी रहा है। तो ये चीजें हम लोगों को नॉलेज देनी है। आजकल मिलेट्स का जमाना आ रहा है, वो लीजिए। हम एक मेडिटेरियन आटा बनाते हैं जिससे शुगर बिल्कुल ही नॉर्मल आ जाती है। लोगों को पता ही नहीं है, तो हम ज्ञान दे रहे हैं लोगों को कि आप रोटी में 3-4 चीजें मिलाइए, सोयाबीन मिलाइए, बाजरा मिलाइए, और जो है आपका चने का मिलाइए। ये चीज मिलाओगे तो जो आटा है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा, और ज्यादा करना है तो उसमें कुछ फ्लैक्स सीड मिलाइए, इसबगोल की भूसी मिलाइए। इस तरह का जब आप आटा बनाएंगे तो आपकी शुगर स्पाइक नहीं करेगी, और हो सकता है आपको सिंपल वे में आप डायबिटीज के मरीज ना रहे और इंग्लिश दवा लेनी ही ना पड़े, क्योंकि चीनी जो है हमारी बॉडी में नहीं बनती है, हम तो ऊपर से डाल रहे हैं। तो कम डालो, नॉलेज के हिसाब से डालो, जितनी बॉडी को जरूरत है उसी हिसाब से डालिए। तो अगर हम इस तरह से अगर हमको गाइड मिलती है, लोगों को हम अगर सजेस्ट करते हैं, लोगों को अगर नॉलेज देते हैं, तो हो सकता है शुगर के पेशेंट ठीक हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे शुगर के पेशेंट, ज्यादा पेशेंट बढ़ेंगे नहीं तो शुगर बढ़ ही रही है। हम सबको जो है काम मिलकर के करना होगा। मान लो मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ और जो डॉक्टर्स हैं उनको शुगर को खत्म करने के लिए आप लोगों को पेशेंट्स को जो है नॉलेज दीजिए, उनको एजुकेशन दीजिए, ताकि भविष्य में लोग गलत चीज ना खा पाए और अपनी शुगर को मेंटेन रख सके, भविष्य में शुगर के पेशेंट ना बन सके। तो डॉक्टर साहब, आपने बात की कि अगर हम एक रोटी खाते हैं तो उनसे उसमें कम से कम 4 चम्मच चीनी जितना जो है वो सुकरलोज उसमें होता है,
तो इसका मतलब जो चार रोटियां खा रहा है वो 16 चम्मच चीनी अपने अंदर डाल रहा है, और एक चम्मच चीनी जो है हमें बॉडी के अंदर चाहिए 4 से 5 लीटर खून के लिए, और हम लोग 16 चम्मच चीनी एक बार में डाल रहे हैं। बिल्कुल, ये डेफिनेटली है। तभी तो क्या हो रहा है, क्यों क्या हो क्या रहा है आजकल, आप एक शुगर का पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या कहते हैं, डाइट चार्ट का ये शुगर की डाइट फॉलो करनी है। अब ना तो डॉक्टर उसको कंपेल करता है, ना मरीज चाहता है कि मैं डाइट को फॉलो करूं। होता क्या है, उनको नॉलेज मिल नहीं पाती, फिर उनकी दवाइयां बढ़ती रहती है, दवाई इतनी बढ़ जाती है, फिर एंड में डॉक्टर से भी कहते हैं ऐसा करो आप इंसुलिन लगा लो। अगर हम उनको शुरू से ही अगर एजुकेट करते हैं तो इंसुलिन की कभी बात नहीं आएगी, ना कोई वर्स्ट पोजिशन में हो जाएंगे, ना उनको किसी ऑर्गन्स को उनको नुकसान होगा। इसी वजह से तो मैं आपको थैंक्स बोल रहा हूँ कि हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, कि अब आम लोगों को पता ही नहीं कि एक रोटी में 4 चम्मच चीनी होती है। अब देख लीजिए, क्लियर सी बात है, 100 ग्राम आटे में 75 से 80 ग्राम चीनी होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। अब 100 ग्राम में 4 रोटी बनती है, तो 2 चम्मच चीनी 20 ग्राम हो गया, 80 ग्राम हो गया, क्लियर काउंट है, साइंस का तरीका है। तो वो उसको पता नहीं, वो कहता फीकी चाय पी रहा हूँ लेकिन 8 चम्मच चीनी खा रहा है, तो लोगों को बता रहे हैं तो वो अब आटा बदल रहे हैं अपना। और मैं हर बार लोगों को कहता हूँ कि कम से कम 4 पत्ते, मान लो पालक है, धनिया है, आपका जो है फूल पत्ता गोभी हो गया, और मूली के पत्ते, ये ऐसी चीजें रोज लीजिए। इससे क्या होगा, ये प्रोबायोटिक्स है और हमारे पैनक्रिया को बहुत अच्छा एक तरीके से सपोर्ट मिलता है और वो इंसुलिन पैदा करती है। अगर ये चीजें आप अपने जीवन में करते हैं, खाने में यूज करते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, शुगर आपकी ठीक होती रहेगी। तो ये प्रोबायोटिक चीज, थोड़ी थोड़ी चीजें हमारे घर पर ही है। मैं पहले ने क्या बोलते हैं, मेरा बीपी 200 था फास्टिंग का, मैंने क्या बोलते हैं दवा, डॉक्टर ने कहा इंसुलिन लेना शुरू करो, तो इंसुलिन के बगैर कोई वो नहीं है, इंजेक्शन के बगैर। तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो डॉक्टर साहब का नंबर और उजून की वीडियो है वो सर्च करके, एड्रेस सर्च करके तब यहाँ आया। अभी मेरे को 1 महीना हुआ है, अभी तो 1 महीने के बाद अब लेके जा रहा हूँ। मेरा जब मैं आया था फास्टिंग है ना, मेरा क्या बोल 200 था दवाई लेने के बाद, आज मेरा ना क्या फास्टिंग 100 है, दवाई मैंने आधी कर दी है, डॉक्टर साहब की दवाई ले रहा हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं। बीपी भी मैंने दवाई छोड़ दी है 15 दिन से, कोई दिक्कत नहीं है बीपी में भी, बाकी ठीक हूँ, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, पेट वगैरह क्लियर साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बढ़िया इस टाइम लग रहा है। हाथ पैर में पहले कमजोरी महसूस होती थी, वो भी नहीं है। लेकिन हम जो है उसको कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपके कार्यक्रम से कहना चाहूंगा लोगों को कि प्रकृति से जुड़ो, ये चीज लो, रोज एक चटनी का बोल से लीजिए, धनिया पुदीना, उसमें टमाटर हो गया, उसमें प्याज हो गया, उसमें और हरी मिर्च भी डाल दिया, अपने हिसाब से बनाइए, ये लीजिए। जरूरत क्या है, ज्यादा छोक की चीजें या ज्यादा घी की चीजें लेने की क्या जरूरत है, आप ही लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो परहेज जो है वो कौन कौन से होने चाहिए, आपने रोटी की बात तो की लेकिन आपने चावल की बात नहीं की, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा स्टार्च है और वो भी जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है उसमें। बिल्कुल, देखिए शुगर के मरीज को व्हीट और राइस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि चावल में भी अच्छा जो है कार्बोहाइड्रेट है, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वी आर द फाउंट ऑफ द राइस, क्या करूं मैं तो चावल के बिना रह नहीं सकता। तो मैं उनको कहता हूँ आप मिलेट्स ले आइए, आप मिलेट्स ले आइए, 500 आपके मिलेट्स है, कोई मिलेट्स ले आइए, उसको रात को भिगो दीजिए और सुबह उसको चावल की तरह से बना लीजिए, उससे आपकी जो चावल की क्रेविंग मिट जाएगी। तो ये आप लेंगे तो अच्छा रहेगा, उसको रिप्लेस कर दो मिलेट्स में। आप जो है दलिया बना लीजिए, आप जो है गेहूं का दलिया बना, आप जो है बाजरे का, मूंग की दाल का दलिया बना दीजिए, बो लीजिए, उसमें मिलेट्स मिला दीजिए। इस प्रकार से जब आप करेंगे अपने मॉडिफिकेशन खाने में, तो आपको शुगर नहीं रहेगी और बहुत अच्छा आप जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये तो हो गए गेहूं और चावल, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें छोड़ना होगा, मैदा हो गया, रिफाइंड हो गया, चीनी होगी, है ना, और मतलब ये चीजें भी हमें छोड़नी होगी। नमक जो है वो सफेद नमक, ये कितना रोल अदा कर रहा है हमारे शरीर को खराब करने के लिए? देखिए क्या है कि मैं तो लोगों को कहता हूँ कि आप सफेद नमक की बजाय जो है ना सेंधा नमक यूज कीजिएगा, उसमें क्या है कि एकदम से जो है ना, एक तो ट्रांसलाइन ही बढ़ते हैं, उससे बीपी हाई नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई फायदा करेगा। सीमित मात्रा में अगर आप सेंधा नमक लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि शुगर के पेशेंट को क्या कुछ और एहतियात बरतने चाहिए, ठीक है, आपने मैदा, बिस्कुट, भुजिया, ब्रेड बिल्कुल ही लेना, या मैदा से बनी चीज बिल्कुल ही लेनी, या मैं तो लोगों को कहता हूँ कि अगर आप मीठा खा लेते हो ना तो क्या होगा, शुगर बढ़ जाएगी। लेकिन यदि आपने मैदा खाई तो आपकी पैनक्रिया खत्म हो जाएगी, तो वो इंसुलिन पैदा करेगी। तो मैदा से दूर रहना, मैदा नहीं खानी किसी भी रूप में, जो मैदा खाए उसको शुगर होनी है। यानी कि बेकरी प्रोडक्ट जो है वो सारे ही मैदे से बन रहे हैं और सारे ही काम खराब कर रहे हैं।
तब से ही ये आता है। मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, मैं बचपन में जब 5 साल का था, ये बात है 72 या 73 की बात है, तो मैं एक बैंक मैनेजर के घर गए थे, तो हमने कोई ब्रेड का नाम नहीं सुना था। जो वो बैंक मैनेजर था ही वाज डायबिटिक इन 73 या 74 की बात बता रहा हूँ मैं। तो मेरे फादर साहब बोले ये बड़े लोग हैं, ये ऐसी चीजें खाते हैं इसलिए बीमार होते हैं। तो आज हर आदमी ब्रेड खा रहा है। हम भी जब बचपन में थे तो कभी बुखार हो जाता तब एक ब्रेड मिलता था, आज सुबह ही सब ब्रेड खाते हैं और ब्रेड की ही सारी जो है फास्ट फूड बन रहा है या फास्ट फूड में सारा मैदा है, इसलिए बीमार पड़े। और दूसरा एक बताना चाहता हूँ कि आज जो भी मान लो को जुकाम भी हो गया, बुखार भी हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं तो बुखार जुकाम की दवाई देता है, लेकिन वो उसमें स्टेरॉइड दे देता है ताकि जल्दी ठीक हो जाए, उससे पैनक्रिया बहुत ज्यादा जल्दी खराब होती है। तो ये जो एक कल्चर है ना स्टेरॉइड वाला, ये बंद करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो उसको हाथ जोड़ के बोले कि साहब मैं चाहे इतने लेट हो जाऊं ठीक, लेकिन मुझे जो है स्टेरॉइड ना दे। ये जो दवाई होती है स्टेरॉइड, ये जो है जीवन रक्षक दवाई है। ये पेशेंट को जब बिल्कुल दिक्कत हो जाती है काफी हो जाती है, तब उसको जीवन रक्षक दवाई के तौर पर सेफ्टी सर्कल में लाने के लिए दी जाती है, ना कि जुकाम बुखार में। बिल्कुल। तो ये चीजों से बचना होगा। आपके माध्यम से मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, खांसी जुकाम किसी को भी हो सकता है। अगर आप डायबिटिक है और आपको खांसी जुकाम बुखार हुआ है तो आप स्टेरॉइड से बचना, स्टेरॉइड मेडिसिन ना लें, बाकी कोई भी सिंपल मेडिसिन ले सकते हैं, आपको फायदा। तो डॉक्टर मिश्रा, जो शुगर जो बढ़ती है जिन जिन लोगों की, जो डायबिटिक है, उनको स्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है शुगर बढ़ाने का, जो जिससे शुगर बढ़ती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि सारी दवाइयां भी ले रहा है बंदा, सारे परहेज भी कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो ये भी एक कारण बन रहा है कि उसका? बिल्कुल साफ कार्ड बनता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस में जो है कार्टिसोल हार्मोन्स पैदा होते हैं, जो कार्टिसोल हार्मोन जब होते हैं तो हमारा इंसुलिन ज्यादा पैदा होता है, इंसुलिन ज्यादा पैदा होता है तो हमारी डिस्टर्ब जो होती है शुगर की। इस वजह से मैं तो अपनी वीडियो, मेरा चैनल है डॉक्टर अशोक मिश्रा, मैं तो हर बार वीडियो डालता हूँ कि स्ट्रेस जो करेगा उसकी शुगर बढ़ेगी। अगर रात को आप नींद नहीं आ रही है मान लो आप, और स्ट्रेस में है, तो सुबह की शुगर आपकी बढ़ी हुई मिलेगी। इसलिए देखिए जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही है, सभी के आते हैं, तो इतना ले कि जितना आप सहन कर सके, जितना आपके हाथ में है। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपकी पैनक्रिया पे इफेक्ट पड़ जाएगा और इंसुलिन पैदा कम, तो आपको शुगर बढ़ जाएगी। इसलिए हम तो अपनी डाइट चार्ट में देते हैं लोगों को, भाई हंसो, ताली बजाओ, लोगों में मिलो, अपने दुख सुख को बांटो, ताकि एक दूसरे से दुख बांटने से कम होते हैं। अगर आप हंसी खुशी का माहौल रखेंगे तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी और अच्छे तरीके से आपकी शुगर कम हो जाएगी। तो मान लीजिए कि आपकी जो है बात बंदे ने मान ली, आपकी सलाह मान लिया और परहेज भी करना शुरू कर दिया, लेकिन वो खा रहा है दिन में 5-5, 6-6 बार, 7-7 बार, तो क्या वो बंदा ठीक हो पाएगा? देखिए मैं तो जो भी मेरे पास शुगर के पेशेंट आते हैं उनको डाइट चार्ट देता हूँ और डाइट चार्ट के हिसाब से उसको फॉलो करता हूँ। जिसने फॉलो कर दिया उसके घर में जो है खुशी आती है, और वो कहते हैं मेरी शुगर में जो 5 साल से मैं दवाइयाँ ले रहा था तब तो कम नहीं हुई और आपकी दवाई से कम हो गई। तो मैं कहता हूँ ये आपका प्रयास है, आप डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं और हमारी दवाई ले रहे हैं और इसी वजह से ये शुगर कम हुई है। पहले क्या होता था, डॉक्टर ने जैसे कहा लिख दिया ये डाइट फॉलो करो, ना तो आप फॉलो करते थे ना डॉक्टर कंपेयर करता था। तो इसलिए मैं तो स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में कि जब भी आओ मेरे पास आना है तो डाइट चार्ट को फॉलो करके आना, नहीं तो आराम से खाओ पियो मौज। नहीं नहीं, मेरे कहने का भाव है कि आपकी डाइट जो बता रहे उसमें खाना कितनी बार है दिन में, क्योंकि ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि बंदा आपकी दवाई भी ले गया और उसने जो आपने बताए ये नहीं खाना वो भी नहीं खा रहा, लेकिन वो खा दिन में कई बार रहा है, तो जितनी बार खाएगा उतनी बार जो है वो शुगर की स्पाइक तो अंदर आएगी ही आएगी। तो बिल्कुल जो मेरा डाइट चार्ट है वो एल्कलाइन डाइट पे है सारा, उसमें कार्बो खत्म कर दिया गया, कार्बो बहुत कम, तो वो उसी हिसाब से कब खाना है, लंच अलग लिखा हुआ है, डिनर अलग लिखा हुआ है, ब्रेकफास्ट अलग लिखा हुआ है, ब्रंच अलग लिखा हुआ है, चाय अलग लिखी हुई, सब चीज लिखी हुई है हमने उस पे। अगर उसको फॉलो करता है तो उसी हिसाब से खाएगा, वो बार बार नहीं खा पाए और अच्छा खिला रहे हैं हम तो लोगों को, कब फल फ्रूट खिला रहे हैं, खूब सब्जी खिला रहे हैं, खूब सलाद खिला रहे हैं, बादाम का दूध खिला रहे हैं लोगों को, ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं हम लोगों को, अच्छा खिला रहे हैं और खुश है वो सब। तो डॉक्टर मिश्रा, आपने बोला कि आप आयुर्वेदाचार्य हैं, तो आप माफ कीजिएगा मुझे पब्लिक ये जानना चाहेंगे कि आप डिग्री कौन सी की आपने? मैं BAMS आयुर्वेदाचार्य हूँ, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी फ्रॉम कानपुर 98 बैच। जी वेरी गुड, तो मतलब आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। बिल्कुल, और ये बात बता दूं कि मैं 150 साल से आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, हमारा परिवार आयुर्वेद की सेवा में लगा हुआ है और जो कुछ मुझे मिला है, जो नाड़ी का ज्ञान मिला है, क्योंकि मैं नाड़ी देख के लोगों का इलाज करता हूँ, वो सब मेरे फोर फादर्स से मिला हुआ है।
और ऐसे ऐसे हमारे पास ग्रंथ हैं जो हाथ से लिखे हुए हैं, जो 155 वर्ष पुराने ग्रंथ हैं। मैंने कई वीडियो में लोगों को इंटरव्यू में दिखाया, 155 वर्ष पुराने हाथ से लिखे हुए हमारे परदादा जी के हैं, और ऐसे ऐसे वो चीज आ गई है नानी में, जब आप लोगों को दिखा दी दोबारा से कराएंगे, यहीं कराएंगे, आप पूछते हैं आप बच्चे ना, आप बच्चे का ना, मैं पूछ करूँगा, ये सुबह चेक करवा लूँगा। से लिखे हुए मतलब ऐसे ऐसे नुस्खे लिखे हुए जो आज भी हम सोचते थे कि कंप्यूटर भी इस चीज के, साइंस भी नहीं को तरक्की कर सकती जो आज बताया हुआ। बताइए मतलब बालों की दवाई लिख रखी है जिसको हेयर फॉल होता है, मान लो जिन महिलाओं का बच्चे नहीं हो रहे उनको जो है सिर्फ 3 पुड़ियाँ देनी पड़ती है हर महीने के बाद, उनको उनकी गोद भर रही है। ऐसी ऐसी दवाइयाँ लकवे के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जो पुराने पेशेंट हो जाते हैं, जो नए तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। व्हाइट पेजेस के पेशेंट आ रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं, और IBS की बीमारी होती है जिसमें खाना खाते हुए आदमी स्टूल जाता है, खाना खाते स्टूल जाता है, उसके इलाज हो रहा है इरिटेबल आई, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो रहे हैं, क्योंकि आज जो खाना खल्त हो गया है वो पच रहा नहीं, कच्चा ही बार बार, तो उसके लिए वो बहुत आ रहे हैं हमारे पास। और जो है जो ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए हमने एक बोटल्स बनाई है जिसको देने के बाद हर महीने उसका हम कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं, वो साफ मिल रहा है। क्योंकि जिसका लिपिड प्रोफाइल हुआ, जिसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा, ये दो जो है एक स्क्रू है हमारे शरीर के अंदर, वो हार्ट की तरफ लेके जाएंगे। जो अभी से ही लोगों को प्रबंधन करना चाहिए, मैनेजमेंट बनाना चाहिए कि मुझे अपने हार्ट का भी ध्यान रखना है, मुझे अपने शुगर का भी ध्यान रखना है, मुझे अपने बीपी का ध्यान रखना है। इस तरह से लोग आते हैं, उनको गाइड करते हैं, दवाई दे रहे हैं, शुगर की दवा फ्री मिलती है। ये मैं जहाँ बैठा हूँ भादुगढ़ इलाका पड़ता है NCR दिल्ली के पास, मैं सोमवार से मंगलवार तक बैठता हूँ। और दूसरी जो हमारी ब्रांच है वो कीड़ागढ़ी दिल्ली में है, वहाँ मैं केवल संडे को मिलता हूँ, लेकिन शुगर की दवा वहाँ भी शनिवार और मंगलवार को फ्री दी जाती है, और बाकी दिन दूसरे डॉक्टर वहाँ मिलते हैं। मैं केवल दिल्ली में संडे को मिलता हूँ, बाकी दिन भादुगढ़ शनिवार और सोमवार से शनिवार तक मिलते हैं, 10 बजे से 2 बजे तक। जी, तो आपको अगर जो डॉक्टर आपके पास जो पेशेंट आते हैं तो वो क्या मतलब इन्हीं दिनों में आपको मिल सकते हैं, और टाइमिंग क्या रहती है आपकी? मेरी टाइमिंग सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मिलता हूँ जी, 10 बजे से 2 बजे तक। उस दिन थोड़ा लेट हो जाता है, 400-500 आदमी आते हैं, तो 4-5 बज जाते हैं, 4 बजे तक का टाइम दिया हुआ है, सुबह 10 बजे 4 बजे जी। तो अगर बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होंगे डॉक्टर साहब जो मतलब जैसे तमिलनाडु में बैठे हैं, कोई असम में बैठा है, कोई बंगाल में बैठा है, कोई मेघालय में बैठा है, तो वो आपके पास पहुंचने में उनको तकलीफ होगी, तो उनको घर बैठे भी दवाई भेजी जा सकती है? पहले तो क्या होता था, लोग मान लो कोई कलकत्ता सारे वो बाई फ्लाइट आता था, बाई फ्लाइट जाता था, तो बाद में हमने सोचा इसको हम जो है बाई कोरियर भी भेजते हैं, तो जो नहीं आ सकता है उसकी मजबूरी है तो हम उसको बाई कोरियर भेज देते हैं दवा, उसके साथ शुगर की दवा तो फ्री जाती जाती है, दूध की दवा सपोर्टिंग हो जाती है, इसमें कोरियर का खर्चा और जो मेडिसिन का खर्चा फॉलो करते हैं, बाकी उसको घर भेजते दवा भेज देते। यानी कि अगर कोई घर पे बैठे दवाई मंगाना चाहता है तो 2-3 दवा अगर साथ में जाती है तो उसमें कोरियर का खर्चा निकल जाता है, और उनको दवा जो शुगर की है वो फ्री में उनके घर पहुंच जाती है। डाइट चार्ट भी देते हैं ताकि उसको फॉलो करते हैं, और हम उसको पेशेंट को फॉलोअप करते रहते हैं, अब क्या पोजीशन है, कोई उसको जब तो नहीं है, क्या परहेज है, क्या है, वो सब उसको फॉलोअप करते हैं, स्टाफ है वहाँ पर जो जी। तो अगर आपसे किसी ने संपर्क करना हो तो वो फिर कैसे संपर्क करें, उसका कोई नंबर वगैरह कोई है? हाँ, मैं मेरा नंबर है 9315447150। मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ, 9315447150। वैसे गूगल पे अगर आप डालते हो डॉक्टर मिश्रा तो आप हमारा एड्रेस आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी, फिर भी आप फोन करके संपर्क कर सकते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक मिश्रा, मेरा एक यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक मिश्रा, उस पर भी मैं लोगों को बताते रहता हूँ क्या खाना है, क्या नहीं, क्या पीना है, किस तरह की डाइट लेनी है, ताकि आप शुगर बीपी हट से बच सको। अगर वो फॉलो करते हैं तो उनको एक अच्छा ज्ञान मिलेगा, और भविष्य में उनको शुगर बीपी हट से बच पाएंगे, कुछ ज्ञान मिलता रहेगा। तो ये है, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी
आपने इतनी बेशकीमती जानकारी जो आपने हमारे दर्शकों को दी है, और फ्री में आप शुगर की दवा दे रहे हैं, इसलिए आपको मेरे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आयुर्वेद को नमन, जिसने ये उपचार की जो विधि जो है वो आगे चलाई है, आगे लोगों का उपचार के लिए इतने इतने बड़े जो ज्ञान आगे बढ़ रहा है आयुर्वेद की तरफ से, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो ये थे डॉक्टर अशोक मिश्रा, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे शुगर की दवा जो है वो फ्री में दी जा रही है, और कैसे लोग शुगर की गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं, कैसे लोग शुगर महामारी के रूप में फैल रही है, उसके पीछे से क्या कारण है और कैसे उसको कंट्रोल में किया जाता है। और डॉक्टर अशोक मिश्रा हफ्ते में 2 दिन दिल्ली और बहादुरगढ़ में शुगर की दवा फ्री में दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो शुगर का ही इलाज कर रहे हैं, वो एक BAMS डॉक्टर हैं और इसके अलावा वो ढेर सारी और बीमारियों का इलाज भी कर रहे हैं, जिनके नाम आज डॉक्टर मिश्रा ने बताया। और इसके अलावा भी बहुत सारे पेशेंट इनके जो है वो ठीक हो रहे हैं और बीमारियों के भी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो फटाफट से इसको भी शेयर करिए, जितना शेयर करेंगे आप उतना ज्यादा ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। बहुत सारे लोग जो है वो शुगर से पीड़ित हैं, और फ्री में दवाई लेकर अगर उनका कुछ फायदा होता है तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज एशिया पंजाबी, न्यूज एशिया हिंदी, आवाज़ पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ हेल्थ की वीडियोस पड़ती हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे तो इजाजत, धन्यवाद।